आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे टीम इंडिया को 6 गेंदों पर 12 रन, लेकिन फिर हुआ ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए एशिया कप 2023 के सुपर फोर मुकाबले में आखिरी ओवर बेहद ही रोमांचक मोड पर ख़त्म हुआ, लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में टीम इंडिया को बेहद ही रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट व पूरा आखिरी ओवर का रोमांच हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आप भी चाहते कि टीम इंडिया बेहतरीन वापसी करके फाइनल जीत कर एशिया कप का चैंपियन बने तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिरकार टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच आज इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित ने और किरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया बांग्लादेश को। टीम इंडिया में आज 5 बड़े बदलाव हुए, साथ ही बड़े खिलाड़ी आज के मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आए। तो वहीं पर कुछ बदलावों के साथ बांग्लादेश की टीम भी मैदान पर उतरी। लेकिन दोस्तों आज का मुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों के बीच हुए नेशनल एंथम के बाद शुरू हुई। बांग्लादेश की तरफ से ताजिद हसन उनके साथ पारी की शुरुआत करने उतरे लेटेन दास। लेकिन दोस्तों यहां पर पहले ओवर में एक बेहतरीन चौके के साथ तंजीत हुसैन ने बेहतरीन आगाज किया इस पारी का, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को पहली सफलता के लिए ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा और तीसरे ओवर की पहली गेंद पर लितिन दास को बोल्ड करके पेवलियन भेजा मोहम्मद शमी ने और टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। लितिन दास इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 2 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही पेवलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता तंजीत हुसैन के रोहसन के रूप में दिलाई शार्दुल ठाकुर ने। उन्होंने भी यहां पर तंजीत हसन को बोल्ड करके पेवलियन भेजा, जिन्होंने 12 गेंदों पर 13 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों अनामुल हक के यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे आज के मुकाबले में, लेकिन वो एक ख़राब शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और केएल राहुल ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और वो भी 11 गेंदों पर 4 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर का ही शिकार बने और टीम इंडिया को तीसरी सफलता 6 ओवर की 4थी गेंद पर ही मिल गई। हालाँकि इसके बाद मेहंदी हसन मिराज के कुछ कैच जरूर ड्रॉप हुए, लेकिन इसके बाद मेहंदी हसन मिराज जो कि अच्छी बल्लेबाजी करने के लाइन पर आ गए थे, एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तभी दोस्तों यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने मेहंदी हसन मिराज को स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेजा और टीम इंडिया को 4थी सफलता दिला दी। मेहंदी हसन मिराज 28 गेंदों पर 13 रन बनाकर पेवलियन लौटे, लेकिन इसके बाद हृदय के साथ मिलकर शानदार तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया साकिब ने। वहीं पर दोस्तों 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा के शानदार छक्का तोहित हार्दे के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की 4थी गेंद पर भी उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ा। वहीं पर इसी दौरान साकिब अल हसन के बल्ले से भी कमाल के चौके देखने को मिले, साथ ही 26वें ओवर की 4थी गेंद पर उनके बल्ले से निकले शानदार छक्के ने उनका ओडीआई में एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया। ये उनका ओडीआई का 55वां अर्धशतक था, लेकिन अर्धशतक के बाद भी उनका बल्ला नहीं रुका और उन्होंने 26वें ओवर के आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का अक्षर पटेल के ओवर में लगाया। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर 31वां ओवर डालने आए जडेजा के ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली साकिब और हृदय के बल्ले से, और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी हो गई। लेकिन इस शतकीय साझेदारी को तोड़ा शार्दुल ठाकुर ने जब 34वें ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड करके पेवलियन भेजा साकिब को, जिन्होंने 85 गेंदों पर 80 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए समीम हुसैन, और 35वें ओवर की पहली गेंद पर उनको LBW आउट करके रविंद्र जडेजा ने पेवलियन भेजा, और रविंद्र जडेजा का ये वनडे कैरियर का 200वां विकेट था। कमाल की गेंदबाजी रही रविंद्र जडेजा की भी, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अंत में शानदार बल्लेबाजी करते हुए तोहित हार्दे ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी भी और अर्धशतक पूरा किया, लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद ये भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना कैच तिलक वर्मा को थमा बैठे और 81 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेलकर पेवलियन लौटे। वहीं पर दोस्तों इसके बाद अंत में शानदार बल्लेबाजी रही नौसम की, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 45 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेली। नौसम के बल्ले से इस दौरान कई शानदार चौके देखने को मिले, उनके बल्ले से 6 बेहतरीन चौके तो एक बेहतरीन छक्का भी देखने को मिला, लेकिन उनकी पारी को प्रसिद्ध कृष्णा ने समाप्त किया 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर। वहीं पर इनके आउट होने के बाद
तंजी बसंत साकिब ने एक बेहतरीन छक्का शार्दुल ठाकुर की गेंद पर लगाया और टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं पर अंत में भारतीय टीम के सामने 267 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन पारी की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया को रोहित शर्मा के रूप में पहला झटका लगा। रोहित शर्मा को डेब्यू टर्न तंजीब हसन ने पेवलियन भेजा अनामुल हक के हाथों कैच कराकर और रोहित शर्मा आज के मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की पांचवी गेंद पर एक स्ट्राइक ड्राइव के जरिए बेहतरीन चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर में उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर भारतीय टीम की तरफ से डेब्यू कर रहे तिलक वर्मा ने एक बेहतरीन चौके के साथ अपने पारी का आगाज किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर तंजीब हसन साकिब ने तिलक वर्मा को भी बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और 9 गेंदों पर 8 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद शुभमन गिल ही टीम इंडिया की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए। इसी बीच केएल राहुल ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ा। वहीं पर 8वें ओवर में भी केएल राहुल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नसून अहमद की गेंद पर एक बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने साकिब अल हसन की गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ शानदार चौके के लिए एक कवर ड्राइव के लिए भेज दिया और एक बेहतरीन चौका लगाया। वहीं पर अब दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। तभी दोस्तों 18वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे केएल राहुल मेहंदी हसन की गेंद पर, लेकिन वो सीधा कैच शमीम हुसैन को थमा बैठे और यहां पर पेवलियन भेजा केएल राहुल को मेहंदी हसन ने, जिन्होंने 39 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रन बनाए। इसके बाद यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुभमन गिल ने 20वें ओवर के आखिरी गेंद पर एक कमाल के छक्के के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। इनका ये बेहतरीन अर्धशतक था क्योंकि टीम इंडिया इस समय मुश्किलों में थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन के रूप में एक और झटका लगा। ईशान किशन एक रिवर्स स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे उनके पैड पर जाकर लगी और मेहंदी हसन ने उन्हें भी LBW आउट करके पेवलियन भेजा। उन्होंने 15 गेंदों पर 5 रन बनाए। तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव आते ही उन्होंने बेहतरीन चौके के साथ अपना खाता खोला। स्वीप शॉट के जरिए उन्होंने ये खाता खोला। इसके बाद 25वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से साकिब अल हसन की गेंद को एक बार फिर स्टैंड में 6 रनों के लिए डिपॉजिट कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला। टिप बैकवर्ड्स करले की तरफ उन्होंने शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने एक कट के जरिए बेहतरीन चौका थर्ड मैन की तरफ भी लगाया। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 33वें ओवर की चौथी गेंद पर उनको साकिब अल हसन ने बोल्ड करके टीम इंडिया को एक और करारा झटका दिया और भारतीय टीम ने अपना 5वां विकेट गंवा दिया। सूर्य कुमार यादव 34 गेंदों पर 26 रन बनाकर पेवलियन लौटे। अब सारी जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल के ऊपर आ चुकी थी। अब दोनों बल्लेबाज यहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर एक बेहतरीन छक्का शुभमन गिल के बल्ले से मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर देखने को मिला, जहां पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। लेकिन 38वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा। रविंद्र जडेजा को मुस्ताफिजुर रहमान ने बोल्ड करके पेवलियन भेजा, लेकिन इसके बाद 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रन लेकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शतक पूरा किया शुभमन गिल ने। यह उनके लक्ष्य का पीछा करते हुए पहला शतक था, जो कि कमाल का शतक रहा। शतक के बाद उन्होंने 39वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका मिड ऑफ के ऊपर से लगाया। इस बार गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और पुल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वाड की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी रही। 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने मेहंदी हसन की गेंद पर एक और शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से लगाया। यह भी कमाल का छक्का था। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार तोविद होडई को कैच थमा बैठे और अपना विकेट गंवा बैठे शुभमन गिल। हृदय ने बेहतरीन कैच पकड़ा उनका, लेकिन शुभमन गिल कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 133 गेंदों पर 121 रन बनाकर पेवलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद यहां पर 45वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने नसूम अहमद की गेंद पर एक बेहतरीन छक्का ओवर मिड विकेट के ऊपर से लगाया, जो कि कमाल का छक्का था। जबकि दोस्तों इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर उनके बल्ले से लॉन्ग ऑन की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी।
और इसको सबसे बड़ी मजबूती जब लगी तब 48वें ओवर की 5वीं गेंद पर मेहंदी हसन की गेंद पर अक्षर पटेल ने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एक बेहतरीन चौका जमाया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए एक बार फिर स्ट्रेट शॉट खेला और इस बार भी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब आखिरी 12 गेंदों पर टीम इंडिया को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे शार्दुल ठाकुर। लेकिन दोस्तों 49वें ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर का कैच मेहंदी हसन मिराज ने पकड़ा और मुस्ताफिजुर ने उन्हें पेवेलियन भेज दिया। इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल ने ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगाया, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ के हाथों में थमा बैठे और भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा अक्षर पटेल के रूप में, जिन्होंने 34 गेंदों पर 42 रनों की पारी जरूर खेली, लेकिन वो टीम को जीत के महज थोड़े दूर छोड़कर चले गए। इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर में टीम इंडिया को 12 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस ओवर की शुरुआती 3 गेंदें डॉट रही, जबकि चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका मोहम्मद समी के बल्ले से और मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला, जबकि 5वीं गेंद पर यहां पर रन आउट हो गए मोहम्मद समी और टीम इंडिया को इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में 6 रनों से हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आपके हिसाब से आज टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।